हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू द चैनल। ओके, आज का हमारा सेशन है ईडियम्स, और ईडियम्स का भी आज है हमारा फिश ईडियम्स। इसके पहले हमने कलरफुल ईडियम्स किया, ठीक है। कलरफुल ईडियम्स में वी डिड रेड, ब्लू, वाइट किया है, ग्रीन अभी बचा हुआ है, ग्रीन ऑल्सो विल डू। ग्रीन के अलावा बहुत भी ईडियम्स है हमारे, अभी पर्पल ईडियम्स है, सिल्वर ईडियम्स है, ठीक है। आज हमारा है फिश वाला ईडियम्स। फिश वाला बहुत सारा ईडियम्स होता है, इसीलिए मैंने चूज़ किया आज फिश वाला। अ बिग फिश, जैसे हिंदी में भी यूज है ना, बिग फिश का मतलब है बड़ी मछली, ठीक है। अ बिग फिश का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट पर्सन। बड़ी मछली, अ बिग फिश, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। अब देखो, इसे सेंटेंस बना सकते हो, ही इज अ बिग, बिग फिश का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, जिसका आप किसी कंपनी में अगर लेते हैं, कंपनी में एक बिग फिश है मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसका बहुत ज़्यादा उस कंपनी में अथॉरिटी है, पावर है। ही इज अ बिग फिश, ही इज अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड विल हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो इस संस्था के एक बहुत बड़े फिश है, एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, इज होल्डिंग एन अथॉरिटेटिव पोस्ट। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ट्रबल वाटर में फिश करना, इसका मतलब है रिस्क लेना, एबिलिटी, एबिलिटी छोड़ दो, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कर लो, या इन्वॉल्व, इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क। यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका मीनिंग यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क। अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आप रिस्क ले रहे हो, और आप रिस्क क्यों ले रहे हो, ताकि आपको कोई एडवांटेज हो। ओके, इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू गेन एडवांटेज, टू गेन एडवांटेज या टू गेन प्रॉफिट। अपने आप को किसी रिस्क में जोखिम उठा रहे हो। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, जब पानी में, जब पानी बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है, ठीक है, पानी ट्रबल्ड वाटर है, और उसमें जाके आप फिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, अपने आप को आप किसी रिस्क में इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई खतरा, कोई जोखिम उठा रहे हो। बट याद रखना कि आप ये जोखिम क्यों उठा रहे हो, व्हाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क, इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, कुछ फ़ायदा है, इसीलिए यू आर फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स। इसे मैं लिख सकती हूँ, ही इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। जगह बनाती हूँ, ही यहाँ पे लिख रही हूँ, इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू गेन, इसका मीनिंग लिख लो पहले, टू गेन एडवांटेज और प्रॉफिट, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाती हूँ, ही इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, पहला वाला देख लो, पहला वाला हमने क्या किया, अ बिग फिश, अ बिग फिश इज बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली, इंपॉर्टेंट पर्सन, ही इज अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था में एक बहुत बड़ा फिश है वो, एंड वो आपकी हेल्प करेगा। और देखो, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, जब पानी ट्रबल्ड है, ओके, और ट्रबल्ड पानी में, जब समुद्र ट्रबल में, समुद्र या वाटर्स, यहाँ किस सेंस में, वाटर बॉडीज, जलाशय, जब ओशन में, रिवर में तूफान है, पानी में उथल पुथल है, और उस समय आप जाके फिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उस समय जाके डेंजर के समय आप कोई रिस्क उठा रहे हो, ठीक है, रिस्क उठा रहे हो किस लिए, ताकि आपको उससे कोई फ़ायदा हो। ओके, तो फिश इन ट्रबल वाटर्स, ही इज़ फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, ट्रबल वाटर्स में फिश कर रहा है, और क्या कर रहा है, बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का शेयर्स खरीद के, ठीक है, वो अपने आप को जोखिम में तो डाल रहा है, बट उसे पता है कि अभी मैं ये जोखिम में लूँगा तो हो सकता है आगे जाके कुछ एडवांटेज है, एडवांटेज के लिए अपने आप को जोखिम में डालना। फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो बहुत कॉमन सा है, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अपने आप को, टू फाइंड वन सेल्फ,
या लिख लो इन अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग, कि अपने आप को अनफेमिलियर एक विचित्र परिस्थिति में पाना, अपने आप को जैसे आपको किसी ने कहीं आप पार्टी में जा रहे हो और आप किसी को अच्छे से नहीं जानते हो तो आपको लगेगा ना आई एम फिश आउट ऑफ वाटर, मैं तो यहाँ पे एक मिसफिट हूँ। अपने आप को अनफेमिलियर, जाना पहचाना सराउंडिंग नहीं है उसमें पाना, ठीक है। जैसे अपने आप को आप लिख सकते हो इन अ वेरी अनफेमिलियर और इन अ वेरी स्ट्रेंज सराउंडिंग, अपने आप को किसी विचित्र कंडीशन में पाना, विचित्र वातावरण में पाना, ठीक है। आप वहाँ पे फिट नहीं हो रहे हो क्योंकि बाकी सब आपसे अलग है, आप उनसे अलग हो, तो अपने आप को किसी विचित्र परिस्थितियों में पाना, दैट इज़ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे फिश को पानी से अलग कर दोगे तो फिर नो डाउट फिश की पहचान ही है पानी, ठीक है। और फिश को आउट कर दोगे तो वो अपने आप, फिश को पानी से अलग कर दोगे तो वो अपने आप को बहुत विचित्र परिस्थितियों में पाएगा, ठीक है। जैसे आपको खाना बनाना नहीं आता और आपको किसी ने खाना बनाने के लिए बोल दिया तो यू विल फाइंड योर सेल्फ वॉट फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे ही क्या शी लिखती, शी लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर when she was asked to cook, ठीक है। उसे खाना बनाना नहीं आता था और उसे खाना बनाने के लिए बोला गया तो she looked like a fish out of water, उसने अपने आप को बहुत विचित्र परिस्थितियों में पाया, ओके, बहुत unfamiliar क्योंकि उसे वो आता नहीं था। फिर हमारा है drink like a fish, fish की तरह drink करना, ये तो alcoholic लोग होते हैं, ओके। वन हु ड्रिंक्स अ लॉट, वो जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग लाइक अ फिश। जैसे ये देख लो, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश इन डिनर पार्टीज, एट डिनर पार्टीज। जब भी कोई वो पार्टी में जाता है तो ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, मीन्स ही कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ अल्कोहल, ही ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक अ लॉट। अ कोल्ड फिश, जैसे कभी कभी बोलते हो ना, कहीं पे आप कोई थिएटर, कहीं पे कोई शो देखने गए और पब्लिक ने, ऑडियंस ने वहाँ बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स। जैसे यू गेव अ वार्म रिस्पॉन्स, यू गेव, आपके घर कोई गेस्ट आता है तो यू गेव अ वेरी वार्म वेलकम, वार्म वेलकम मतलब बहुत गर्म जोशी से आपने वेलकम किया। और कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब है ठीक है आ गए हो, चलो आ जाओ अंदर। तो कोल्ड फिश होता है ना, कोल्ड फिश का मतलब हु इज़ अ कोल्ड फिश, अ पर्सन लैकिंग इन इमोशंस, ठीक है, जिसके पास कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है, ये उदासीन लोग को बोलते हैं, अनकंसर्न्ड। हु इज अ कोल्ड फिश, अ पर्सन जिसके पास कोई इमोशंस है ही नहीं, एकदम उदासीन है, अनकंसर्न्ड है। जैसे मैं लिख सकती हूँ ही इज अ कोल्ड फिश, ही इज अ कोल्ड फिश एंड डजंट टॉक टू हिज कलीग्स, देखो वो एक कोल्ड फिश है, वो हमारे ऑफिस में एक कोल्ड फिश है, कोई इमोशंस नहीं है, उदासीन है और अपने कलीग से बात भी नहीं करते। अब आ जाओ अ फिशी स्टोरी, जैसे आप बोलते हो ना अ फिशी स्टोरी, फिशी स्टोरी मतलब कैसी कहानी, एक कहानी जो पूरी तरह से झूठ हो, अ बिग लाई। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज आप लेट क्यों हो गए और आपने एकदम एक फिशी स्टोरी बना दी, फिशी स्टोरी बना दी मतलब ऐसी कहानी जो एक पूरी तरह से झूठा कहानी था, ठीक है, अ बिग लाई। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी मैं और भी कुछ देती हूँ। अ बिग फिश, चलो मैं साइड हो जाती हूँ, पहले तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, सेंटेंस बनाना ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको रिपीट कर देती हूँ, अ बिग फिश, अ बिग फिश इज़ बड़ी मछली, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ही इज़ अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल हेल्प यू। फिश इन ट्रबल वाटर्स, ट्रबल्ड पानी में फिशिंग करना मतलब अपने आप को जोखिम में डालना, क्यों, ताकि उस जोखिम में डाल के हो सकता है आपको आगे जाके कोई फ़ायदा मिले। जैसे वो ही इज़ फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स बाय बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, और यहाँ वाटर का मतलब पानी मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ वाटर्स किस सेंस में, ओशंस के सेंस में, ओशंस, रिवर्स, सीज, उस सेंस में।
फिश आउट ऑफ वाटर, अपने आप को विचित्र परिस्थितियों में पाना, यू आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी अनफेमिलियर विचित्र स्ट्रेंज कंडीशन या सराउंडिंग। जैसे फिश को पानी से निकाल दोगे तो वो तो अपने आप को विचित्र परिस्थितियों में पाएगा। ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश की तरह ड्रिंक करना, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, वन हु ड्रिंक्स अ लॉट एंड ड्रिंक्स अ लॉट नॉट वाटर दैट इज़ अल्कोहल, जैसे वो पार्टी में जाता है तो ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश एट डिनर पार्टीज। नेक्स्ट कोल्ड फिश, कोल्ड फिश होते हैं वो लोग जो जिनके अंदर इमोशंस है ही नहीं, ठीक है, वो उदासीन होते हैं, ही इज़ अ कोल्ड फिश, वो कोल्ड फिश है और अपने कलीग से बात भी नहीं करते हैं। और फिशी स्टोरी, आपने एक फिशी स्टोरी बना दी, दैट इज़ अ बिग लाई। अभी मैं कुछ और भी दे रही हूँ फिश का, चलो अब हम और भी कुछ idioms पे चलते हैं रिलेटेड टू फिश। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी तारीफ करें, ओके, तो फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट मतलब दूसरे से तारीफ चाहना। अटेम्प्ट टू गेट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो इस वर्ड में ही है, अटेम्प्ट टू गेट प्रेज और एप्रिशिएशन फ्रॉम अदर्स। कुछ लोगों की हैबिट ही होती है, वो चाहते हैं कि हमेशा दूसरे लोग उसकी तारीफ करें, सो दे आर इन द हैबिट ऑफ फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, अटेम्प्ट टू गिव नहीं है, सॉरी, अटेम्प्ट टू गेट, गेट मतलब हासिल करना, दूसरे से तारीफ, तो दूसरे से प्रेज या एप्रिसिएशन चाहना। ओके, और ज़बरदस्ती तो आप तारीफ किसी से ले नहीं सकते हो, कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करें। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, इसे लिख दिया मैंने, द गर्ल हैज द हैबिट ऑफ फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। गर्ल की हैबिट ही है, द गर्ल हैज द हैबिट ऑफ फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, हमेशा वो दूसरे से कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं। ओके, शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब है बहुत आसान काम, वेरी, लिख लो, वेरी इजी टास्क, अ वेरी इजी, बहुत आसान काम, वेरी इजी टास्क। ओके, देखो अगर आपको फिश को नदी में शूट करना हो तो नदी या समुद्र तो बड़ा सा है, उसमें फिश को शूट करना मुश्किल है, बट बैरल क्या होता है, बैरल एक तरह का बॉटल है, ठीक है, एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और आपको फिश को कोई कंटेनर में डाल दे और शूट करने के लिए बोले तो फिश तो इधर उधर भागेगी नहीं, वो तो उसका दायरा है तो बस उतना ही तक है, वो रहेगी सिर्फ कंटेनर तक ही। तो फिश को कंटेनर में शूट करना, बैरल में शूट करना बहुत ईजी है। अगर मैं बोलूँ कि किसी समुद्र में फिश को शूट करो तो वहाँ तो फिश का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होगा, बट बैरल, ये जो कंटेनर है सिलेंड्रिकल, ये बॉटल है, बॉटल में फिश कहाँ भागेगी, उसका दायरा बस वो बॉटल तक ही है, तो वहाँ बॉटल में फिश को शूट करना बहुत ईजी है। सो शूट फिश इन अ बैरल मीन्स डू अ वेरी ईजी टास्क, कोई काम जो बहुत आसान है, जो आप चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एक सेंटेंस डाल देती हूँ, कंपीटिंग विथ हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, उससे कंपीट करना मेरे लिए बहुत आसान काम है, चुटकियों में मैं उससे कंपीट कर जाऊंगा, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, उससे मैं आसानी से उससे मुकाबला कर सकता हूँ, ठीक है। नीदर फिश नॉर फाउल, फाउल एक तरह का पक्षी है, ठीक है, ये हैन के कैटेगरी में भी आता है, पोल्ट्री हैन एंड ऑल, फाउल उसी सेंस में, ये बोल रहे हैं ना तो फिश ना तो फाउल, इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो, ओके, अस्पष्ट हो, द थिंग्स विच आर नॉट वेरी क्लियर, ओके, अनक्लियर चीज़ों को हम बोलते हैं, जिसको हमने वर्ड पावर में किया भी, एम्बिगुअस बोल सकते हो, डाउटफुल, अनक्लियर, और नीदर फिश नॉर फाउल का मतलब है चीज़ें जो अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो। जैसे इसका आप सेंटेंस बना सकते हो, हिज सजेशंस, जो उसने सजेशंस मुझे दिया वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, हिज सजेशंस वर नीदर फिश नॉर फाउल, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके सजेशंस अनक्लियर थे, एम्बिगुअस थे, डाउटफुल थे, अस्पष्ट था। अब ये जो लास्ट का मैंने दो लिखा है ना, दोनों का मतलब सेम है, ओके, बोथ द idioms दे कन्वे द सेम मीनिंग,
टू हैव अदर फिश टू फ्राई और टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास बिगर फिश है फ्राई करने के लिए, मैं इस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरे पास और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है करने के लिए. ओके तो दोनों का मतलब सेम है. एट प्रेजेंट मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, आई हैव टू डू सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई मीन्स टू डू इम्पॉर्टेंट, टू डू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अभी आप जो कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए. टू डू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके इसे हम सेंटेंस बना सकते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम. मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज आई हैव अ बिगर, या अदर भी लिख सकते हो, अ बिगर फिश टू फ्राई. अभी मेरे पास बिगर फिश फ्राई करने के लिए बचा है. छोटी छोटी बातों में मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी. आई हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. तो होपफुली आज हमने करीब करीब फिश से रिलेटेड 10 idioms किया होगा. ओके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साइड हो जा रही हूँ मैं. ओके आगे भी हमारा idioms वगैरह जारी रहेगा. idioms अभी तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, idioms तो एकदम अनएंडिंग है. ओके अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने कमेंट्स देते रहना, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना. मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को फ़ायदा हो इस वीडियो से. ठीक है चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.